हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। ग्राफ थ्योरी की सीरीज़ में अगला टॉपिक है, वो है सेवन ब्रिजेस ऑफ कॉनिग्सबर्ग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूलर ग्राफ क्या होता है। तो यूलर ग्राफ आया कहाँ से, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था यूलर ग्राफ का क्या था, उसको हम सेवन ब्रिजेस ऑफ कॉनिग्सबर्ग कह सकते हैं। ऐसा क्यों, तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। कॉनिग्सबर्ग एक सिटी है रशिया में। तो सेवन वहाँ पे एक ब्रिज ये हुआ करता था, ब्रिज हुआ करता था, सेवन ब्रिजेस का वो था, ठीक है। एक रिवर थी उसके ऊपर, ये ए ए पार्ट और जो बी पार्ट है ये दोनों लैंड है, सी और डी जो है रिवर के बीच में आइलैंड थे, और ये इंटरकनेक्टेड है सेवन ब्रिजेस से, 1 2 3 4 5 6 7। तो उनके लोकल्स के बीच में एक किस्सा पॉपुलर था कि कोई भी कोई एक जगह से स्टार्ट करे और वापस उसी जगह पे पहुँचे, ठीक है। लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि जो ब्रिज होंगे, जो एजेस होंगे, उनको बस एक बार ट्रैवर्स करना है, और जो हमारे लैंड पार्ट हैं उनको मल्टीपल टाइम्स कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ए से स्टार्ट करें तो घूम फिर के ए पे ही आए, बी से भी करें तो घूम फिर के बी पे आए, सी से करें तो घूम फिर के सी पे आए, और डी पे करें तो घूम फिर के डी पे ही आए। तो ऐसा बहुतों ने ट्राई करा लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो सिटी के मेयर ने क्या करा, वहाँ उस टाइम पे जो यूलर लियोनार्ड यूलर थे उनको बुलाया गया। वो बहुत पॉपुलर एक मैथमेटिशियन थे, तो उनसे बोला ये चीज़ प्रूफ करने को। तो प्रूफ करने की बात अगर ये है, तो ज़रूरी नहीं कि आप रियल जो आंसर है वही प्रूफ करें, आप उस चीज़ को गलत भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब जैसे सेवन ब्रिजेस का था, तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो भी एक इसका आंसर ही हुआ। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो भी एक सॉल्यूशन ही होगा। तो यूलर ने भी यही करा, सेम चीज़ यही करी। तो सबसे पहले उसने इस ब्रिज के कनेक्शन को अपने यूलर मतलब एक ग्राफ में कन्वर्ट करा ऐसे। फिर उसके बाद यूलर ग्राफ का क्या सीन था, आपने पढ़ा है कि कभी भी अगर जैसे सपोज़ ए बी सी, ठीक है, हमें ये एक छोटा सा ग्राफ है, हमें अगर ए से घूम फिर के ए पे जाना है तो हमें 2 डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसी सेम केस बी के साथ, ऐसी सेम केस सी के साथ। आप कोई भी ग्राफ बना लो, अगर ए से जाके अगर आप उस जगह पे वापस आते हो तो आपको एटलीस्ट 2 डिग्री चाहिए ही चाहिए, और अगर 2 डिग्री होती है तो यानी वो इवन होती है। लेकिन यूलर ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे जब हमने इसकी डिग्री स्टडी करी, यूलर ने जब इसकी डिग्री स्टडी करी, तो जितने भी थे ए बी सी डी, सबकी जो डिग्री थी वो थी ऑड, ठीक है। जैसे सी की देखिए, 1 2 3 4 5, बी ए की 1 2 3, डी की 1 2 3, बी की 1 2 3, तो सबकी डिग्री जो है वो ऑड है। तो बजाय इसके यूलर ये प्रूफ करता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसने ये प्रूफ कर दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका इसने ये पॉइंट दिया कि जो जितनी भी ए बी सी डी है हमारी लैंड पार्ट है, उनकी जो डिग्री है वो ऑड है। लेकिन हमें अगर वो चाहिए, यूलर ग्राफ चाहिए, यानी कि ऐसा चाहिए कि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो वहीं से एग्जैक्टली वंस ट्रैवल्स करके आए, तो हमें एटलीस्ट मतलब इवन डिग्री चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो ऐसे यूलर ने इस चीज़ को प्रूफ करा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हम अगर ऐसा करने बैठेंगे तो यूलर सर्किट, यूलर ग्राफ, ये सब पता करना पड़ेगा, वॉक पाथ सब देखना पड़ेगा, तो इससे टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो यही है, आप डिग्री वाला देखिए, आप 5 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ये रहा। अब इसको प्रूव, हमें इसको ये बताना है कि ये यूलर ग्राफ है या नहीं है। तो कुछ नहीं, बस आप डिग्री देके जहाँ आपको डिग्री ऑड मिल जाए तो वो यूलर ग्राफ नहीं है। तो डिग्री यहाँ पे देखिए 3 मिल ली है, यहाँ पे 1 2 3 मिल ली है, तो ये यूलर ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट पे 3 मिल ली है, इस पॉइंट पे 3 मिल ली है, ठीक है। तो ये भी हमारी
किलोग्राफ नहीं होगी। अब तीसरा एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 हो गई, 1, 2, यहाँ 2 हो गई, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 1, 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 हो गई और यहाँ पे भी 2 हो गई। तो ये हमारे यूलर ग्राफ है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा ये क्वेश्चंस पहले गेट के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसकी डिग्री 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसकी इसकी भी 1, 2, 3, 4, इसकी भी 2, तो ये भी हमारा यूलर ग्राफ होगा। तो ये था हमारा 7 ब्रिजेस ऑफ कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसकी मदद से आप लोग ये देख सकते हैं, किसी भी ग्राफ को देख के 10 सेकंड में, आप 5 सेकंड में बता सकते हैं कि वो यूलर ग्राफ है नहीं डिग्री देख के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन दबाइए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।